हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी 11 बज गई है। सबसे पहले तो पापा को खाना देके आना है खेत में, और उसके बाद में जाना है लाइब्रेरी। तो अभी मैं आ गया हूँ खेत में पापा को खाना देने के लिए। तो पापा को खाना देने के बाद जाएंगे सीधा लाइब्रेरी में। रोज के जैसे मैं पहुँच गया हूँ लाइब्रेरी, और अभी टाइम हुआ है 11:30। तो चलो पढ़ाई करते हैं। आयुष कहाँ है? हाँ, कॉलेज से आया। अभी आया वो? तुझे क्या लगा? मैं उसके बिना अंदर सो। कहाँ है वंशु? कहाँ हो गया यार? यार गर्मी गर्मी का मौसम आ गया। ऐसे हवा हवा चल रही है, बताओ। मौसम भी यार इस गर्मी में स्वेटर पहन के आया है, पतली सी है। हाँ, बहुत तेज चल रही है और हर जगह कुछ ना कुछ। अरे मुक्का मारना है ऐसे, देखता नहीं क्या यूट्यूब पे? चॉकलेट दे ना। हाँ, नेली का ब्रेक ठीक करना है। ये ना वॉशिंग, मतलब दौड़ी है, वॉशिंग करनी है। क्या वाइब्रेशन कहाँ से आ रहा है? इंग्लिश में कुछ भी पढ़ा दो, सबसे लगा दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अच्छा, तो हिंदी छोड़ दी क्या तूने? हाँ, तो इंग्लिश पढ़ाई तेरे को? हाँ। चलो इंग्लिश पढ़ाते हैं। करवाना था लेकिन ट्यूशन करवाना रह गया कैंसिल, क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं और। ये है हमारे गांव का मैच, और यहाँ पर इतनी सारी गाड़ी और इतनी सारी भीड़। और रवि कैसे चल रहा है मैच? कौन सी टीम खेल रही है? बाहर का थोड़ा नहीं, माड़ेगांव नानो की नाम। माड़ेगांव और नानो की खेल रही है। चौदह बॉल में 36 रन चाहिए। और फील्डिंग कौन सी कर रही है? नानो फील्डिंग कर रही है और बैटिंग माड़ेगांव कर रही है। अच्छा, चौदह बॉल में 37 रन चाहिए। 36 रन मुश्किल है माड़ेगांव ऑर्डर के। तो दवा देना में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, उनको जीत अंतर विरोध का सामना इस मैदान में करना पड़ा है। और मैंने 8-10 दिन आपके बीच में रहकर जो सिचुएशन देखी है, क्योंकि खेल के मैदान में खेलने से उनको प्रॉब्लम होती है, गांव के बीच में दारू बेचने से नहीं होती है। लेकिन वो ठीक है, आपका स्वास्थ्य खराब नहीं करता है। वो मेरे से बिल्कुल सोसाइटी अध्यक्ष से आदिपुर तो
इसी के साथ आज का लोग यहीं पर एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय।